डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स वो स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि फिर एक्सरसाइज 1.2 हम अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि जो थ्योरी वाले टॉपिक्स है और जो कॉन्सेप्ट्स है वो अगर आपके क्लियर होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। आज ये टॉपिक्स है हमारे के एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड टॉपिक्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के पीके बोर्ड, ये टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रो मैट्रिक्स। अब जो रो मैट्रिक्स है, ये वो मैट्रिक्स होती है कि जिसमें जस्ट वन रो हो, यानी कॉलम जितने भी हो, दो है, तीन है, उससे हम रो को देखेंगे कि रो उसमें वन है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। जिस तरह ये है, अब इसमें देखें तो एक रो है, ठीक है, इसमें देखें एक रो है, ठीक है। तो हर एक मैट्रिक्स में एक ही रो आपको, ये देखें, ये रो वन रो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कॉलम वन है, यहाँ पे कॉलम्स टू हैं, यहाँ पे कॉलम्स थ्री हैं, यहाँ पे कॉलम्स देखें तो फोर हैं, क्योंकि जो वर्टिकल लाइनें हैं वो मैं कॉलम्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ये रो के लिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना इस टॉपिक है। तो क्या हो गया, कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग जस्ट वन रो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम हो, अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो इट हैज़ वन कॉलम, इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये सारे जो है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब अगर रोज पे आ जाए तो रोज इसमें चेंज हो रही है, देखिए इसमें दो रोज हैं, इसमें एक रो है, इसमें टू रोज हैं, इसमें कितनी रोज हैं, तो हम रोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम्स की बात करें। कॉलम्स कितने होंगे, वन। रोज को हमने नहीं बताना है, हमने कॉलम्स को बताना है कि कॉलम्स अगर एक है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, रोज को नहीं, ठीक है। अगर रो एक हो तो उसको फिर जिस तरह पिछली टॉपिक हमने ये बताया कि अगर रो एक हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन अगर कॉलम एक हो तो उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स कहना है, ठीक है। तो ये जो जिसमें एक ही एलिमेंट है, जिस तरह ये टू है, हम देखें टू है या थ्री है, कोई भी नंबर है, लेकिन सिंगल ये एक ही नंबर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो कॉलम्स रोज कितने हैं, वन, कॉलम्स कितने हैं, वन। तो इस किस्म की जो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम है, अब देखिए इसको हम कहेंगे ये रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक रो है, ठीक हो गया, यानी ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। उसकी वजह क्या है कि इसमें एक ही रो है, और कॉलम मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। अब भैया वक्त, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली इस मैट्रिक्स के लिए कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अब नेक्स्ट हम जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है, कि जितने रोज हों उतने ही कॉलम, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये वही एग्जांपल यहाँ पे भी आई हुई है कि ये देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें क्या है, रो को मैं आर से जाहिर करता हूँ तो रो वन है, और कॉलम को मैं सी से जाहिर करता हूँ तो वन है, ठीक है। अब रोज और कॉलम्स आर इक्वल, अब यहाँ पे देखिए रोज वन और कॉलम वन, अब यहाँ पे रोज कितनी है, ये देखिए टू रोज और कॉलम्स वन टू टू, तो ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी रोज आर देयर, रोज थ्री, और हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कॉलम्स आर थ्री। अब देखिए ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जो मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स द मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, या रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए नंबर ऑफ रोज, इन सब में बल्कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इन सब के लिए सेम, यही आपने लिखना है। इन जो भी मैट्रिक्स आपको दी जाए और उसमें आपने ये बताना हो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बराबर है, सबसे पहले रोज गिन ले,
कितनी है, ठीक है, तो कॉलम्स गिन ले। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो हम कहेंगे कि सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द गिवन मैट्रिक्स, यानी कौन सी है ये जो गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है, अब कौन सी गिवन मैट्रिक्स कौन सी है, ये अगर आपको दी जाए जिस तरह ये फर्स्ट है, और इसको आपने चेक करना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, आगे लिखना है नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। अभी समझ, अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को, तो अब ये सेकंड, अगर आपको गिवन है मतलब ये वाली मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2, आप आगे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगली मैट्रिक्स जो है इसके लिए भी यही प्रोसीजर करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस तरह पिछली टॉपिक में देखे, अगर बराबर हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो फिर स्क्वेयर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इक्वल ना हो, इफ द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। पहले वाले को हमने स्क्वेयर मैट्रिक्स कहा, दूसरी मैट्रिक्स जो है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह ये देखिए एग्जाम्पल्स गिवन है, फर्स्ट में देखिए नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे रोज कितनी है, रोज 1 है, और कॉलम्स यहाँ पे 2 है, देखिए दो कॉलम्स है, 1 और 2, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ आपने लिखना है नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर देयरफॉर इसको अगर हम नाम दे दें, मतलब ये ए मैट्रिक्स है, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज रेक्टेंगुलर, यानी ये स्क्वेयर नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब इस वाली मैट्रिक्स को हम सपोज नाम देते हैं बी, इसको मैंने ए नाम दिया था। अब बी बी को देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स बी 3 है, सॉरी ये देखिए 1, 2 और 3, तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स बी इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वेयर क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, देखिए ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे कहते हैं, जो उसके अंदर जो एंट्रियां हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, देखिए इसमें ये इसमें, ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम जीरोज हों, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो आर नल मैट्रिक्स, उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये जिस तरह ये है, तो देखिए इसमें एक ही एंट्री है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को देखे तो इसमें दो एंट्रियाँ हैं, यानी रोज कितनी है, दो रोज, एक रो और दो कॉलम, और इसमें रो और कॉलम
एक एक है। इसमें अगर आप देखें तो ये 0 0 0 0 0 0, देखिए दो रोज हैं, ठीक है, और तीन कॉलम हैं। इसमें अगर आप देखें तो तीन रोज हैं और दो कॉलम हैं। बहरहाल जितने भी रोज हो और जितने भी कॉलम हो, स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। मकसद क्या है कि तमाम की तमाम इंट्रीज या एलिमेंट्स जो उसके अंदर लिखी हुई हैं वो जीरोज हों, ठीक है, जीरो के अलावा कोई नंबर ना हो। डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके ये डायगनल, इसको कहते हैं डायगनल और इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगनल, डायगनल। तो प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर जितने नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो जीरोज ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जितनी जितने एलिमेंट्स हैं इसके अलावा, इस लाइन के अलावा, जैसे ये है और ये है, वो सारे जीरोज हों, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगनल क्या है, ये। अब प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर लिखे हुए हैं 215 नॉन जीरो, और बाकी जो है ये वाली एलिमेंट, जितनी भी एलिमेंट्स है इस लाइन के अलावा, वो सारी की सारी जीरोज इंट्रीज हों, ठीक है, या एलिमेंट्स हों। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगनल है, इसके अलावा जितनी इंट्रीज हैं वो जीरोज हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो जीरोज नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए स्क्वेयर मैट्रिक्स, लेकिन इसके लिए स्क्वेयर होना ज़रूरी है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो बराबर हों, ठीक है, स्क्वेयर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। डायगनल मैट्रिक्स में सबसे पहले जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगनल पे एलिमेंट्स है वो नॉन जीरोज हों, और जो प्रिंसिपल डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो जीरोज हों, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल काइंड, स्पेशल काइंड ऑफ डायगनल मैट्रिक्स। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो क्यों स्पेशल? क्योंकि इसमें भी देखे प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर इंट्रीज नॉन जीरोज हैं, ठीक है, और इसके अलावा जितनी इंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो बाकी के एलिमेंट्स वो जीरोज हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, वहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी। वहाँ पे भी देखे 1 है और 3 है डायगनल पे, यहाँ पे 2 1 5 है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, 4 3 -1, देखे डिफरेंट है, नॉन जीरोज है लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है स्केलर मैट्रिक्स में कि वो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है डायगनल के ऊपर वो इक्वल भी हों, तो ये एक अलग जो है पॉइंट इसके अंदर आ गया, ठीक हो गया, कि इट इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें और डायगनल मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है? इसमें एक स्पेशल एक क्वालिटी वो ये है कि जो एलिमेंट्स है नॉन जीरो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर वो इक्वल भी हों। वहाँ पे इक्वल की कंडीशन नहीं है, यानी कि 5 5 5, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखें 4 3 -1 डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है 5 5 5, ठीक हो गया। तो ये हो गया ये वाली डिफिनीशन, ये स्केलर मैट्रिक्स के लिए है। अब एक और स्पेशल काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स या डायगनल मैट्रिक्स, स्पेशल काइंड ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगनल पे एलिमेंट्स नॉन जीरोज है और बाकी एलिमेंट्स जीरोज हैं, ये देखिए प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर नॉन जीरोज है और बाकी जीरोज है। अब स्केलर में क्या था कि इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल तो है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स की स्पेशल काइंड है और स्केलर मैट्रिक्स की भी स्पेशल काइंड है, ठीक है। उसकी वजह क्या, ये स्केलर भी है डायगनल भी है, लेकिन जो क्वालिटी है सबसे पहले स्केलर में ये क्वालिटी की इक्वल होनी चाहिए, देखिए इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर में 1 1 का होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे 3 3 भी हो सकते हैं, 5 5 5 भी हो सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इक्वल तो है लेकिन 1 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये स्केलर स्केलर मैट्रिक्स, ये देखें स्केलर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स आर डायगनल्स, डायगनल आर वंस, यानी 1 1 होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है।
यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे जो टॉपिक्स रहते हैं वो करके फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो अगर